हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफाइन किया था कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी जो नोटेशन है वो क्या है, उसको जो लिखने का तरीका है उसको हम कैसे लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम सबको डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा आज का। और ये जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, इनका हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसका जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है उसके बारे में हमें कहीं कोई डाउट ना रहे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वेयर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिसेस का क्या मीनिंग है, इक्वल मैट्रिसेस का क्या मीनिंग है, और उसके बाद हम कुछ आंसर रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाई वन देखने में लग रहा है कि काफ़ी डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड उसका मीनिंग बनता है और बिल्कुल इजीली हम उसको ध्यान रख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि जिसमें केवल एक ही रो हो, सिंगल रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स। क्योंकि हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, रोज और कॉलम से। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स की हम बात करते हैं। लेकिन अब हम क्या करें कि अगर उस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, सिंगल रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, दैट इज सिंगल रो, इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। कॉलम चाहे कितने भी हो, लेकिन अगर एक रो है, सिंगल रो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा 1 5, तो इसमें केवल वन रो है और कॉलम 2 है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसका ऑर्डर क्या बन जाता है, 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 कॉलम है। इसी वे में ये एक मैट्रिक्स है 602, 603 नहीं बोलेंगे, अलग अलग थोड़ा सा गैप है, 602, यानी 1 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1/3, 1/3 है, लेकिन रो कितनी है, 1 रो है, सिंगल रो है। तो इसका मतलब इन मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रो मैट्रिक्स। इसी वे में कॉलम मैट्रिक्स, जब रो मैट्रिक्स का पता चल गया तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, दैट इज सिंगल कॉलम, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, या हम उसको कॉलम वेक्टर भी कह देते हैं। वैसे इसमें रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कह देते हैं। तो क्या है, जैसे ये आप देख रहे हो, मेरे पास 1 2 2 रोज हैं लेकिन सिंगल कॉलम है, और इसका मतलब ऑर्डर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2/1, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/1, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी वे में 6 3 4, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, कॉलम 1 है, तो 3/1। इसका ऑर्डर अगर मैं कहना चाहूंगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1, लेकिन कॉलम 1 है। तो इसका मतलब ये जो दोनों मैट्रिसेस आप देख रहे हो, ये जो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस क्या होंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप नंबर ऑफ रोज देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं, ये मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हम क्या कहते हैं, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब m और n इक्वल नहीं होंगे। मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है एक मैट्रिक्स 1 3 4 2 0 6, आप देख रहे हो 1 2 2 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी वे में ये मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 3 2, कितनी रोज हैं, ये नहीं पहले कॉलम्स काउंट कर लिए, हमेशा रोज बाय कॉलम्स, पहले रो फाइंड आउट करेंगे फिर कॉलम्स, कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3/2, लेकिन 3 और 2 इक्वल नहीं है
तो इसका मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहे थे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कह देंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कब, अगर m इज इक्वल टू n है। m इज इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स n रोज एंड n कॉलम्स है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में रोज और कॉलम सेम है तो क्या कहने की जरूरत है, m रोज एंड m कॉलम्स, n रोज एंड n कॉलम्स। सेम अगर है तो क्या कहने की जरूरत है, हम उसको क्या बोल देते हैं, n स्क्वायर या n रॉड मैट्रिक्स। भाई n स्क्वायर कहने से ही पता चल गया कि n रोज हैं, n कॉलम्स हैं। n रॉड कह दिया, n रॉड मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सही है हमारे पास। इसका मतलब भी n है, जब रोज n है तो कॉलम्स भी n ही होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाई n कहने की जरूरत ही नहीं लगती स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, हम उसको n स्क्वायर या n रॉड मैट्रिक्स इज ए और या क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे a एक मैट्रिक्स है, क्या है ये, 2 3 4 5, टू रोज टू कॉलम्स यानी 2 बाई 2, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें 1 2 3, थ्री रोज 1 2 3, थ्री कॉलम्स, यानी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। लेकिन ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बच्चा बता देता है लेकिन एक पॉइंट में गड़बड़ कर देता जो नहीं बोलता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम क्या समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब बताया जाता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है 2 1 7, 0 हो आ जाए इनमें, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जितने भी बच जाते हैं मेरे पास उनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। हम क्या कहते हैं कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो 0 होने चाहिए। ये मेरे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, इनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता, चाहे ये 0 हो नॉन 0 हो, इनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता। ये कहा जाता है कि जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डेफिनेशन में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। कई बार बच्चे से पूछ लिया जाए कि भाई मैं यहाँ पे भी 0 लिख दूं तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बच्चे कहते हैं नहीं जी यहाँ तो 0 आ गया। अरे इसके बारे में तो कहा ही नहीं है, 0 हो नॉन 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपने देखने कि वो 0 है या नॉन 0 है, आपने डेफिनेशन पे जाना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं a11 a22 a33, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और इसके अलावा भी एक गलती और कर देते हैं बच्चे, जब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो बच्चे क्या कहते हैं, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जी वो डायगोनल। लेकिन एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें यह बताना होता है पहले कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते ही नहीं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नॉन 0 क्या है, उस बात पे बाद में जाएंगे, पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच All the non-diagonal elements are 0। देखो diagonal elements के बारे में कुछ नहीं कहा है, अपने आप ही सेट कर लेते हो कि जी 0 आ गया या तो गड़बड़ होगी। केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसके non-diagonal elements 0 हो उसको हम क्या कहेंगे, diagonal मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जो होता है, जनरली हम मैट्रिक्स को इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट लेक्चर में कहा था
मैट्रिक्स ए आई जे की फॉर्म में। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब जनरली क्या बनता है? ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। इसमें आप जो देख रहे हो ये वन वन आ गया, सेम आ गया, आई और जे सेम आ गया, या मैं सेम आने की नहीं कह रहा, ये ए टू टू में ये सेम आ गया आई और जे, और ये सेम आ गया। तो ये तो मेरे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हो आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये वन और टू है तो ये जीरो होना चाहिए, ये वन और थ्री नहीं है ये जीरो होना चाहिए, टू और थ्री इक्वल नहीं होते तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो को या आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए जो ए आई जे की वैल्यू है वो जीरो हो जाए। आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए ए आई जे की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो। ये याद रखना चाहो तो ये याद रख लो, ये याद रख सकते हो तो बेस्ट है, अच्छा लगता है कि हाँ हमें थोड़ी सी नॉलेज और है, अदरवाइज जितना भी याद रख लेते हो तो सफिशियंट है कि डायगनल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। लेकिन अगर ये याद रखते हो तो और अच्छा लगता है, हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, मीनिंग पता है। तो इसका मतलब जैसे ये एग्जाम्पल में यहाँ लिया 2007, 2x2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगनल एलिमेंट्स हैं। अब ये जीरो आ गए मेरे पास तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डायगनल मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ जीरो लिख देता 0007 तो भी ये डायगनल मैट्रिक्स होता, यहाँ भी जीरो लिख देता तो भी डायगनल मैट्रिक्स हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। इसी वे में यहाँ है बी एक मैट्रिक्स है, ये आप देखो ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ जीरो आए नॉन जीरो आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग डायगनल एलिमेंट नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं चाहिए। और साथ में ये 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स। मतलब डायगनल मैट्रिक्स होने से पहले वो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान देते ही नहीं, वो सीधा सा कहते हैं कि नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो, तो ये क्या कहलाएंगे? स्क्वेयर मैट्रिक्स। और उसको नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो आ गए तो स्क्वेयर मैट्रिक्स को ही हमने क्या कह दिया? डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन कैन बी ब्रीफली रिटन एज, जो एन बाई एन ऑर्डर का अगर डायगनल मैट्रिक्स होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा 2x2 3x3, अगर हम चाहें तो इसको एक सिंगल लाइन में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डायगनल डी वन, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दिया हमने डी टू डी थ्री एंड सो ऑन डी एन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये बात कहना चाहें तो ये डी वन डी टू डी थ्री एंड सो ऑन डी एन, ये मेरा एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, बाकी सभी जो ये एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरो होंगे। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डायगनल डी वन डी टू डी थ्री एंड सो ऑन। इसका मतलब डी वन का मतलब क्या है? ए वन वन। डी टू का मतलब क्या है? ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। डी थ्री ए थ्री थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम। डी फोर ए फोर फोर, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो ये जो पार्ट है डी वन डी टू डी एन आर डायगनल एलिमेंट्स, डी वन डी टू डी एन क्या है? डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो इसी वे में ये जो आप देख रहे हो मैट्रिक्स ए इजिकल टू क्या था? 2007, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ? डायगनल 27, डायगनल 27। 2 का मतलब क्या है? ए वन वन, और 7 का मतलब क्या है? ए टू टू। मतलब ये जो है इस वे में लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसी वे में ये जो है आपके पास 3 5 1 है, तो जो बी है डायगनल मैट्रिक्स, बी जो डायगनल मैट्रिक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डायगनल 3 5 1। ए वन वन से स्टार्ट करना, फिक्स ऑर्डर रहेगा, यानी कि आगे पीछे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 3 5 1। ये हमारे क्या कहलाएंगे? डायगनल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएंगे? डायगनल मैट्रिक्स। आगे देखो मेंशन कर दिया, द डायगनल एंट्रीज ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी जीरो। इस बात पे बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि भैया हमारा तो हो गया डायगनल मैट्रिक्स कंप्लीट, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डायगनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, मेंशन कर दिया है। डायगनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, डायगनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। डायगनल एंट्रीज कहो या एलिमेंट कहो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी जनरली बच्चे याद कर लेते हैं कि जो डायगनल एलिमेंट है वो सेम हो, नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो हो।
लेकिन स्केलर मैट्रिक्स भी पहले एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए, या ये कह लो कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहले हम क्या कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यहां तक की अगर हम बात करते, स्केलर मैट्रिक्स विच इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये वाला लिखें, या इसके प्लेस पर मैं इतना लिखूं, या मैं ये लिख सकता था डायगोनल मैट्रिक्स, यहां तक के लिए ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो हमारे सेम भी हो सकते थे, डिफरेंट भी हो सकते थे। अगर वो सारे के सारे सेम हो जाते हैं, 333, 555, 111, 777, तो उस मैट्रिक्स को हमने एक नया नाम दे दिया, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस वे में कहें, या डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, या स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। और स्क्वेयर मैट्रिक्स ये आपका ए आई जे है। स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे की वैल्यू क्या हो, जीरो। किसके लिए, जब आई और जे इक्वल ना हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल एलिमेंट, और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम, चाहे के आ जाए, चाहे फाइव आ जाए, चाहे सेवन आ जाए। तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को या उस स्क्वेयर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायगोनल 3 3 लिख दिया, दोनों बातें यूज कर दी। डायगोनल 3 3 का मतलब क्या, 3 0 0 3, ये दोनों एलिमेंट 3 3। अब ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ, लेकिन हम इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम। इसी वे में डायगोनल 5 5 5, ये सभी 5, बाकी सारे के सारे 0, और ये स्केयर मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। वही वाली बात जो मैं कह रहा था वही कह रही, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी कह सकते हो, ऊपर वाला पार्ट भी कह सकते हो, एज योर विश, जो आपको इजी लगे। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इजी सा एग्जाम्पल है, क्या कहा गया, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कह दिया। कोई जरूरी नहीं है याद रखने लग जाओ कि भी ए इज इक्वल टू 1 2 3 कहेंगे, आप ये कह दो 1 0 0 0 4 0 0 0 6, ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ 0 कह दो, यहाँ 8 कह दो, यहाँ 9 कह दो, इनको 0 रख के यहाँ जो भी मन में आए वो कह दो, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। रटना नहीं है कि भैया एग्जाम्पल में 1 2 3 लिखा है तो मैंने 1 2 3 लिखा है, नो, जो भी मन में आए वो डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स 3 3 3 ही याद करेंगे, 3 3 3 कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ 6 6 6, लेकिन सेम करना है, कभी 2 में तो 6 कर दो और 1 में 3 कर दो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, और वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके बाद ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स हो लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो, ये भी कह सकता था मैं, ये भी कह सकता हूँ, ये भी कह दिया, 3 3 2 लिख दिया यहाँ, जरूरी नहीं तीनों ही डिफरेंट करने हैं, एक डिफरेंट कर दिया, 3 2 2 कह दो, लेकिन अगर तीनों को 2 कह दिया तो ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, मुझे बीच में चाहिए, इसको मैं 0 कह दूँ, इसको मैं 5 कह दूँ, ये तीनों जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, बस वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम हो, अब और कंडीशन लगा दी, स्केलर एलिमेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स में जो था उसमें अगर सारे के सारे जो सेम एलिमेंट है वो 1 हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट 1 हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। यहां तक का पार्ट तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गया, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ईच डायगोनल एलिमेंट्स, वहां क्या कर रहे थे स्केलर मैट्रिक्स में सेम, यहां अगर वर्ड सेम लिख देते थे तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया,
यहाँ क्या कह दिया, अगर ईच डायगोनल एलिमेंट वन है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाई आई एन, ध्यान रहे आई एन एन नहीं करे, क्योंकि जब स्क्वेयर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स होता तो केवल एक एन लिखने से काम हो जाएगा। आई वन, आई वन का मतलब वन बाई वन ऑर्डर का, एक ही एलिमेंट है वो वन हो गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर आई टू, वन जीरो जीरो वन, टू बाई टू ऑर्डर का, आई टू लिख रहे हैं, आई टू टू नहीं लिख रहे। आई टू टू क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो एक बार जब टू लिखने से काम चल जाता है, एक बार टू लिखने से काम चल गया तो दोबारा क्यों लिखें। आई थ्री, आई थ्री का मतलब क्या होता है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थ्री का मतलब क्या है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये सभी एलिमेंट्स वन होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो पहला आई वन क्या है, ऑर्डर वन का है, आई टू क्या है, ऑर्डर टू का है, और आई थ्री क्या है, ऑर्डर थ्री का है रिस्पेक्टिवली। नोट, स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे, कब, जब वो जो एंट्रीज हैं डायगोनल की वो सभी क्या हो, वन। स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यानी एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ये सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं हो कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मे और मे नॉट बी। क्योंकि अगर मैं इनमें थ्री 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 लिख देता हूँ तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका क्या मतलब है, उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा मीनिंग बनता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स भाई, जैसे ये डायगोनल था तो मैं ये वाला पार्ट देखता हूँ तो ये एक ट्रेंगल बन गई, ये मेरी ऊपर की तरफ है तो ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये मेरा ये भी एक ट्रेंगल बन गई, ये नीचे की तरफ है तो ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ध्यान कुछ नहीं रखना कि जो हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं उसका मतलब क्या, कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं अपर की बात करते हैं तो नीचे वाले सारे ये जीरो हैं, और जब हम लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की कहते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो वो लोअर और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या करें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे जीरो हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी वे में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर ये सारे के सारे जीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इससे ही क्लियर होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। लेकिन अब से पहले जो हम बात कर रहे थे, चाहे हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की, चाहे आइडेंटिटी की, चाहे स्क्वायर की, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स की, उनमें हमने स्केलर मैट्रिक्स भी कहा, उनमें हमने सब में स्क्वायर मैट्रिक्स कहा है, लेकिन जो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है वो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों के केस में वैलिड है। इस मैट्रिक्स क्या लिख दिया, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो, जैसे ये एक ही एलिमेंट था जीरो, इसका आउटर क्या होगा, वन बाई वन, वन रो है वन कॉलम है, ये जो है सभी जीरो, टू रोज टू कॉलम टू बाई टू, टू रोज थ्री कॉलम टू बाई थ्री, थ्री रोज थ्री कॉलम थ्री बाई थ्री। और जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया था आई एन, वैसे ही नल मैट्रिक्स को ओ, कैपिटल ओ जो होता है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ एम एन, मतलब एम बाई एन ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। जैसे ये है, ये जो पार्ट है इसको मैं ओ वन वन,
मतलब 1 by 1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, इसको मैं ओ टू टू 2 by 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, इसको मैं ओ टू थ्री, इसको मैं ओ थ्री थ्री, ये मेरे क्या है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि टू मैट्रिसेस को हम कब कहेंगे कि वो कंपेरेबल है, जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उन मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन, और एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर क्या है पी बाई क्यू। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंपेरेबल है तो कब कहलाएंगे, जब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम हो। सेम हो इसका मतलब एम और पी इक्वल हो, इसी वे में एन और क्यू इक्वल हो। एम इज इक्वल टू पी और एन इज इक्वल टू क्यू अगर है तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिसेस कंपेरेबल नहीं है या नॉन कंपेरेबल है। जैसे एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम्स 2 by 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो आप देख रहे हो ए और बी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ए और बी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ए और बी मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल। ए और बी क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल। लेकिन ए का ऑर्डर 2 by 3 है और सी का ऑर्डर क्या है 3 by 2, ये नहीं कि 2 और 3, 2 by 3 और 3 by 2 अलग है, इसमें 2 रोज है उसमें 3 रोज है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। ए और सी जो है वो कंपेरेबल नहीं है क्योंकि ए का ऑर्डर 2 by 3 है और सी का ऑर्डर 3 by 2 है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इससे रिलेटेड कुछ हम अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि टू मैट्रिसेस इक्वल हो। केवल इक्वल का मतलब ये नहीं कि उनमें एलिमेंट सेम, उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर एलिमेंट है, A11 A11 की जो पोजिशन, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन, सेम रो सेम कॉलम, सेम रो सेम कॉलम की जो पोजिशन होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन कहलाती है। उन पोजिशन पर अगर एलिमेंट सेम है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, और क्या लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू बी, कब, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, एंड द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन मतलब ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, तो हम उन मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। जैसे एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, टू मैट्रिसेस है। अगर मैं इक्वल कहता हूं तो देखो इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स 2 by 3 है, 2 रोज 3 कॉलम 2 by 3, ऑर्डर सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन क्या बनती है, ये 3 है और ये ए है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन, ये 7 है और ये 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन। तो 7 7 के इक्वल है ही, अगर ये ए 3 के इक्वल होगा, अगर ये ए 3 के इक्वल होगा, और इसी वे में आप देख रहे हो यहां मेरे पास 8 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में यहां मेरे पास क्या है बी, तो ये बी और एट की वैल्यू इक्वल हो। इसी वे में यहाँ सी 0 और ये सी, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर वैल्यू सेम है तो हम क्या कहेंगे, सी की वैल्यू 0। अगर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0 है, तब हम इन मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। अगर मेरे पास ये 2 1 के प्लेस पर ये 1 2 हो जाता है, तो ये नहीं कि इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, यहाँ मेरे पास 1 आ जाता और यहाँ मेरे पास 2 आ जाता, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होते। जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन है उस कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी हम उन मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। अब ये एग्जाम्पल है, वेरी इजी एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इजी एग्जाम्पल। वैसे पूरा मैट्रिसेस का टॉपिक ही हमारा इजी है। एक ये मैट्रिक्स है आपके पास और एक ये है, ये कह रहे हैं कि इक्वल है, टू मैट्रिसेस इक्वल है, तो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। जब टू मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन ये क्या है, एक्स माइनस वाई और ये क्या है, माइनस वन। इसका मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, वन। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, वन, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी वे में ये क्या है,
टू एक्स प्लस जेड, यानी कि इनमें से किसी के भी इक्वल कह रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फाइव है, तो टू एक्स प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन। फिर ये टू एक्स माइनस वाई, ये जीरो, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी थर्ड इक्वेशन। फिर ये थ्री जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ थर्टीन, थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू थर्टीन, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के फॉर्म में मेरे पास फोर इक्वेशंस आ गई, और अब इन फोर इक्वेशंस को सोल्व करके हम एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में है। थर्ड इक्वेशन में क्या है, टू वाई, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स एक्स आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अभी एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करोगे, इक्वेशन वन में क्या है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। और अब अगर आप इसमें ये जो है टू एक्स प्लस जेड इजिकल टू फाइव है, टू एक्स प्लस जेड इजिकल टू फाइव है, एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू, जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाइव माइनस टू, और फाइव माइनस टू का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री। और ये जो इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, थ्री जेड, जेड की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो थ्री थ्री नाइन, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू थर्टीन, नाइन उस साइड जाएगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। तो ये मेरे पास एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। अब ये मैट्रिसेस इक्वल है और आपने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन इजिकल टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस वन इजिकल टू एक्स प्लस थ्री, फर्स्ट इक्वेशन। इसी वे में थ्री वाई, थ्री वाई इजिकल टू वाई स्क्वेयर प्लस टू, थ्री वाई इजिकल टू वाई स्क्वेयर प्लस टू, और इसी वे में ये जीरो जीरो तो सेम है, वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई इजिकल टू माइनस सिक्स, ये मेरी थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले से यहाँ से देखो क्या है, 2x प्लस वन इजिकल टू एक्स प्लस थ्री है, ये प्लस का x है, इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस का हो जाएगा 2x माइनस x, 2x माइनस x क्या रह जाएगा x, प्लस का 1 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x इजिकल टू 2। इसी वे में ये क्या है, वाई स्क्वेयर, थ्री वाई उस साइड जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0, माइनस थ्री वाई है, इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस टू वाई प्लस टू इजिकल टू जीरो, माइनस थ्री वाई को माइनस वाई माइनस टू वाई, फैक्टर लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू, और वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इजिकल टू जीरो, तो क्या बन जाता है, वाई इजिकल टू वन, वाई इजिकल टू टू, वाई की टू वैल्यूज आ गई वन और टू। इसी वे में एक इक्वेशन ये भी है, वाई स्क्वेयर माइनस वाई फाइव वाई माइनस के सिक्स राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे सिक्स, तो यानी इक्वेशन थ्री से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, माइनस फाइव वाई को क्या लिख सकते हो, माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई, फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, वाई माइनस टू को जीरो कहोगे तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, वाई की वैल्यू थ्री, वाई माइनस थ्री को जीरो कहोगे तो वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी। यहाँ आपके पास जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट था, पहले मेरे पास y की वैल्यू 1 और 2 है, यहाँ मेरे पास y और y की वैल्यू 2 और 3 है, तो दोनों में से कॉमन वैल्यू क्या है, 2, दोनों में से कॉमन वैल्यू क्या है, 2, तो हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल। ध्यान रहे, अगर 1 पुट कर दिया तो एक वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरी वैल्यू कुछ आएगी, फिर वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। इक्वल मैट्रिसेस के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एक बार अगर यहाँ से क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है,
नहीं तो आप इस मैट्रिक्स में पुट करके देख लें कि क्या ये वैल्यू सेम आ रही है। अगर सेम आएंगी तो ही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कह देते हैं आ गया जी आंसर, 1 2 3 तीनों वैल्यूज करें। पॉसिबिलिटीज आई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा गया, टू मैट्रिसेस हैं इक्वल हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वही ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 8। ए और बी की फॉर्म में टू इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 8। तो वो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या होगी, ए प्लस 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6। इसको आप ए से मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 ए, ए स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 ए, प्लस का 6 ए है, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 6 ए प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 चाहिए तो माइनस 6 ए को क्या लिख सकते हो, माइनस 4 ए माइनस 2 ए, माइनस 6 ए को क्या लिख सकते हो, माइनस 4 ए माइनस 2 ए। फैक्टराइज करोगे तो ए माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 4। अगर इस इक्वेशन 1 में, ए की वैल्यू 2 पुट करते हो, तो ए की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 4। और अगर ए की वैल्यू 4 पुट करते हो इक्वेशन 1 में, ए की वैल्यू 4 पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 4 होगी, और अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 2 होगी। दोनों पुट करके देखना चाहो तो देख सकते हो, बाई चांस यहाँ ए प्लस बी है और ए बी है, नहीं तो क्या है कि जो ये वैल्यूज आती हैं उनको पुट करके देखना जरूर, 2 मिनट लग जाएगी। कई बार क्या होता है मल्टीपल आंसर आ जाते हैं लेकिन उनमें से कोई एक आंसर ऐसा होता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जो पुट करेंगे वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम है तभी वो पॉसिबल वैल्यू है, अदरवाइज वो पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सी जो डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, कौन सी मैट्रिसेस की टाइप है आपको बड़ी अच्छी टाइप लगी, एग्जांपल्स कैसे लगे आपको ये बताना है। चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, जितने से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।